शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं कि मैं अपनी वो जो वोटिंग कर रहा हूं वो मैं मजबूत तरीके से उस निशान पे वोटिंग कर रहा हूं, लेकिन जनता का मानना ये है कि हमें बैलेट पेपर चाहिए। जनता अधिकतर अधिक लोगों से हमने बातें की है तो वो बैलेट पेपर पे भरोसा कर रहे हैं। क्या लगता है कैसे देखते हैं इसको? विष्णु कुमार कश्यप हमारा नाम है, मोरला बुटैया बाग में। अच्छा, चुनाव आने वाला है ना लोकसभा का, तो क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री दोबारा बनेगा? बनेंगे तो यही कौन, मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक की टीम इस समय लखीमपुर खीरी में है। खीरी लोकसभा क्षेत्र है, 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, उसको लेकर यूपी तक यहाँ लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश करेगा। आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, 2024 में आखिर क्या होगा? हम कोशिश, क्या नाम है आपका चाचा? मेरा नाम मोइनुद्दीन। क्या लगता है 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, क्या लगता है उसको कैसे देखते हैं भैया? अब हैं हमका तो कुछ ना दिखाई रहा है, जो बताओ बताओ नहीं, क्या लग रहा है आपको? 2024 का चुनाव आ रहा है जी। एक तरफ मोदी जी होंगे, राहुल गांधी होंगे, सोनिया गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, कैसे देखते हैं इसको? इसका फैसला तो अल्लाह ताला करेंगे, हम तो जानते नहीं भैया। और जिसके हक में जो तकदीर में जो लिखा होगा उसको वही मिलेगा। नहीं, क्या लगता है हमको प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए देश का? जो चल रहे हैं वही ठीक है भैया, और जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, और जो करेंगे वो भी ठीक है भैया, हम इसमें क्या बताएं। क्या क्या नाम है आपका चाचा? ये क्या कर रहे हो? नहीं, नाम क्या चाचा? 2024 का जो चुनाव है ना उसको लेकर बातचीत है आम जनता की, कि आखिर क्या है मन में, क्या लग रहा है, क्या होगा 2024 में? क्या नाम है आपका चाचा? हमको दिखाई भाई पड़ता है, हम क्या है बताएं। अच्छा तो चाचा, फिर भी क्या लगता है 2024 में? अच्छा, आप आंखों से दिक्कत है आपको, क्या लगता है 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है कैसे देखते हैं, कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? अच्छा प्रधानमंत्री होना चाहिए। किसको मानते हैं चेहरा? हम सबको मानते हैं। अच्छा हाँ, तो इसमें राहुल गांधी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं। वोट जो पड़ता है मुक्त होता कैसे को बताया रह जाता है। हाँ। तो देश को होगा किस्मत में उसका वोट दे देंगे। देखिए साफ तौर पर यहाँ पर लोगों के अपने अलग अलग राय है, और देखिए कुछ लोग और भी हैं। क्या क्या नाम है आपका? लतीफ खान। लतीफ भाई, क्या लगता है आपको इस बार 2024 में क्या रहेगा? जी, क्या रहेगा 2024 में? भाजपा सरकार बनेगी। क्या लगता है क्यों? क्योंकि अच्छा काम हो रहा है, विकास देश का हो रहा है, बस और क्या। देखिए हमारे साथ कुछ युवा भी हैं यहाँ पर, बच्चियाँ हैं जो जूस का आनंद ले रही हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आशिका। क्या लगता है 2024 आने वाला है, लोकसभा का चुनाव होगा, कैसे देखती हो? सर, जो मोदी हैं वही आने चाहिए, बाकी और? और तो मतलब और ज़्यादा मुझे पता नहीं है। नहीं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, कैसे देखती हैं इनमें 2024 में? आपको क्या लगता है कि कौन प्रधानमंत्री फिर दोबारा बनेगा, किसकी जीत होगी? मोदी की ही होगी। कैसे कह सकती हो? जो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मोदी ही होंगे, वही होंगे। और राहुल गांधी? राहुल गांधी का तो सर पता नहीं। अखिलेश? हाँ, अखिलेश के हो सकते हैं चांस, हाँ, क्योंकि पंजाबी और मुस्लिम लोग तो उधर ही साइड रहते हैं ना, और हो सकता है ये साइड। क्या कर रही हो अभी? मेरा बीटेक फाइनल हो गया लखनऊ से। तो कुछ भला हुआ आपका? हाँ, अभी तो सर नहीं हो रहा है, हालांकि यहाँ पर कुछ सिख फैमिली के लोग हैं। वीर जी क्या नाम है आपका? निर्मल सिंह। वीर जी क्या लगता है 2024 का जो चुनाव आएगा, क्या लगता है उसको कैसे देखते हैं? अरे भैया बस सब बढ़िया ही है। क्या लगता है? लगता यही है कि बीजेपी सरकार ही आएगी, हमको तो यही लग रहा है। फिर आएगी इस हिसाब से? हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे ओवरब्रिज बन रहा अभी यहाँ पे, हर जगह रोड बढ़िया बन रही है, अच्छा विकास हो रहा है। तो अच्छा, लखीमपुर हिंसा जो हुई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे किसान, उसका कोई असर रहेगा नहीं रहेगा यहाँ पर? नहीं, उसका असर पड़ेगा, जैसे हम वहाँ वहीं तिकुनिया के रहने वाले हैं, और असर तो होगा ही। देखिए अब गलत चीज़ थी, लेकिन उसका फैसला हो रहा है धीरे धीरे, देखो क्या रिजल्ट निकलता है। बाकी किसानों के साथ तो फिर अच्छा होना ही चाहिए ना। अब जैसे नुकसान हो गया इतना, सरकार से ये भी गुजारिश है कि नुकसान हुआ, जैसे बारिश हुई है इतनी, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है बिल्कुल, जो पत्थर पड़े थे, बर्फ़ पड़ी है ना, उससे बहुत नुकसान हो गया, तो उसका मुआवजा भी देना चाहिए। देखिए कुछ लोग और हैं, क्या लगता है, क्या नाम है आपका? देखिए कोशिश और भी लोगों से करेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं, आखिर क्या उनके मन में है। या क्या नाम है आपका? आशु कक्कड़। कक्कड़ जी क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे देखते हैं इसको?
2024 में सरकार की नीतियों के हिसाब से तो हमारे हिसाब से सरकार रिपीट होगी, और बीजेपी की जो या हमारे प्रधानमंत्री जी को कुछ योजनाएं बहुत अच्छी हैं उस हिसाब से लगता है, लेकिन अब आगे आजकल के जो माहौल है उस हिसाब से भविष्य के बारे में किसी के लिए कहना बहुत ही नामुमकिन है। और बाकी रही योगी जी का काम तो बढ़िया है ही है, मोदी जी का काम बढ़िया है, लेकिन कुछ जो सांप्रदायिक दंगे होंगे, देखिए अभी कितना अच्छा माहौल था अपने यूपी का, जो एक भी दंगा, जबकि हमारे यहाँ लगभग 4.5 से 5 करोड़ आबादी है, उसके बावजूद भी एक भी दंगा कहीं पर नहीं हुआ, जबकि कुछ जिनकी आबादी ही 4 से 5 करोड़ है वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे जिसका दर हुए सबको पता है। तो इसीलिए हमें लगता है कि सब परिस्थितियाँ अगर सामान्य रहीं तो मोदी जी की सरकार फिर से वापस हो। क्या नाम है आपका? जबीउल्ला। क्या लगता है 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहा है, कैसे देखते हैं उसको? जी हम बात नहीं कर रहे हैं। कौन जीतेगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हमको नहीं मालूम। हमको नहीं, आपको नहीं मालूम? तो वोट देते हैं? नहीं, वोट हमारी है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। क्या उम्र है आपकी? 27 साल। आप 27 साल के हैं, आपने अभी तक वोट नहीं बनवाई, क्यों? देखिए कुछ महिलाएं भी यहाँ निकल रही। बेटा क्या नाम है मैम आपका? मैडम क्या लगता है 2024 में लोकसभा चुनाव को कैसे देखती हैं आप? देखिए महिलाएं 2024 का जो चुनाव उस पर लेकर कुछ बोलना भी नहीं चाहती हैं। देखिए जागरूकता जो है कहीं ना कहीं अब लोगों में एक ये भी है कि जो लोग हैं, जो आज मन चेक होता है, लोग कहीं ना कहीं बात भी नहीं करना चाहते। हम फिर भी यहाँ देखिए लोगों से कोशिश करेंगे कि आखिर कुछ लोग और भी हों। सर क्या नाम है आपका? जी वाजिद अली मंसूरी। जी वाजिद अली मंसूरी। क्या लगता है 2024 का चुनाव कैसे देखते हैं इसको? अपने हिसाब से सही होगा जो है, बढ़िया होगा। क्या होगा? अरे चुनाव प्रक्रिया में जो है, चुनाव प्रक्रिया एक जो है नई संस्था है, उसके साथ है। क्या होगा? लगता है देश का प्रधानमंत्री कैसा होगा? अब इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? कुछ विकास हुआ लखीमपुर का? अब विकास क्या, सब चौड़े सड़कें सब चौड़ी हो रही हैं, और जो है अब जो है जहां निकास के लिए बड़ा मारामारी थी, जगह बहुत संग्रह थी, अब वहां जो खुलासा हो गया है, बढ़िया जो है। तो क्या लगता है आपको कौन बेहतर है? अब बेहतर तो जनता चुनेगी भाई। आपको क्या लगता है? हमको, हम अपनी राय नहीं बता सकते इस संबंध में। किसान वगैरह बाकी सब खुश हैं? नहीं खुश क्या, उनकी फसलें, हम भी किसान तो हैं, किसान हम भी हैं, और हमारी जो है गन्ने की फसलें हैं वो सब शाम चल जाते हैं, सुबह शाम जाते हैं बचाने के लिए, लेकिन आपका कितनी देर तक बैठ पाएंगे ये चीज़ है। तो प्रधानमंत्री के तौर पर किस, कौन सा चेहरा आपके लिए ठीक है? नहीं हम ये नहीं बता सकते हैं, तो जनता तय करेगी। हाँ जनता, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे आखिर उनके दिल में क्या है। तो सर क्या नाम है आपका? सर क्या नाम है? मनोज शुक्ला नाम है। मनोज जी किस तरह से 2024 का चुनाव आ रहा है, कैसे देखते हैं? चुनाव 2024 का जो आ रहा है वो जनता की विचारधारा, इस बार कि लोकतंत्र मजबूत होकर चुनाव हो, जिसमें लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षाएं हैं कि हम अपने वोट का स्वयं चुनाव करें, और बैलेट पेपर ज़्यादा लोग मांग रहे हैं मेरा मानना जहाँ तक। बैलेट पेपर आखिर क्यों? बैलेट पेपर उनके मन में एक शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं कि मैं अपनी वो जो वोटिंग कर रहा हूँ वो मैं मजबूत तरीके से उस निशान पे वोटिंग कर रहा हूँ। ये भी आपका गन अपनी जमा करने आए? नहीं गन नहीं जमा करना है, हम इसका फिटनेस बन दौर था जब गणतंत्र चलता था। हाँ चलता है, इसका मैं फिटनेस करवाने आया हूँ। नहीं तो लगता है आपकी वो दौर चला गया जो गणतंत्र था, वही वापस आएगा ऐसा नहीं क्या आएगा? हर चीज़ वापस आएगी, समय होता है हर चीज़ का एक समय होता है। इस समय परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन की तरफ लोग विचार बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये जनता है। क्या लगता है क्राइम कुछ बढ़ा है घटा है? तो खैर देखिए क्राइम में तो यूपी फर्स्ट क्लास गया, इसमें ऐसा वो नहीं है। सब गन कल्चर तो खत्म हो गया ना? गन कल्चर खत्म, इसका कोई महत्व नहीं, गन का कोई महत्व नहीं कि गन लेकर ही घूमो तुम्हारा कहीं, ये सब स्वतंत्र है। इस समय लोकतंत्र, थोड़ा लोकतंत्र पे विचार करने हैं वाली बातें। लग रहा है बदलाव आएगा क्या? बदलाव तो निश्चित, एक परिवर्तन तो एक जो है परिवर्तन तो प्रकृति का सिस्टम है, हर चीज़ का परिवर्तन होता है।
परिवर्तन तो एक हर प्रधानमंत्री के चेहरे कौन हो सकते हैं? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, मायावती? इस समय लोकप्रियता मोदी से ज़्यादा किसी की है नहीं, इसमें आपको मानना पड़ेगा। मोदी जो है वो अपने किस सिस्टम से लोगों के अंदर बैठा है, लोगों के दिलों में राज कर रहा है, वो मोदी की एक अपनी अलग छवि है जिसको इतनी जल्दी झुटलाया नहीं जा सकता। मोदी को हटा नहीं सकते हैं? मोदी को इतनी जल्दी नहीं हटा सकते। आप कह रहे हैं परिवर्तन होगा, फिर परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन बहुत सारी चीज़ों में हो जाता है, लेकिन अब ये प्रधानमंत्री जो इस समय हमारे देश के हैं उनके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिससे लोग प्रभावित हैं, जनता उनके पक्ष में वोट कर रही है। लेकिन जनता का मानना ये है कि हमें बैलेट पेपर चाहिए। जनता अधिकतर अधिक लोगों से हमने बातें की है तो वो बैलेट पेपर पर भरोसा कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग और हैं यहाँ पर जो सड़कों पर निकल रहे हैं, उनसे कोशिश करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? बेटा क्या नाम है आपका? हिना। हिना, क्या लगता है 2024 का चुनाव आ रहा है लोकसभा का, आपको बेहतर प्रधानमंत्री कौन लगता है, मोदी जी, राहुल गांधी, अखिलेश या मायावती? अखिलेश जी। देखिए ये साफ तौर पे हैं मुस्लिम महिला थी, इनका साफ तौर पे कहना है कि अखिलेश यादव। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुनीश अली। मुनीश, क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है, कैसे देखते हैं इसको? बीजेपी हावी है, बीजेपी का ही है यहाँ पे सारा कुछ क्षेत्र, पूरा बीजेपी का ही है, पूरा सब कुछ बीजेपी ही हावी है। और मोदी जी 2024 में फिर दोबारा आएंगे। फिर आएंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैडम है, बच्चे लेके जा रही है। मैडम क्या लगता है 2024 में चुनाव आ गया है, कैसे देखती हैं? नहीं इसको? हमें जल्दी है थोड़ा। चुनाव पर कुछ बोलेंगी? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगी। नहीं कुछ नहीं बोलना। देखिए जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर संकोच करती हैं। सर क्या नाम है आपका? संजय मौर्या। संजय क्या लगता है अभी 2024 का चुनाव आ गया है लोकसभा का, उसको कैसे देखते हो आप? अब अभी तो कुछ बताया नहीं जा सकता। फिर भी क्या लग रहा है आपको? अब देखो अब क्या होता है। नहीं क्या लगता है, मोदी जी हैं, राहुल गांधी हैं? अभी तो कुछ नहीं बताया जा सकता। कोई विकास कार्य हुआ है यहाँ पर? नहीं, विकास कार्य तो हुआ है। खैर तो विकास कार्यों को देख के क्या लग रहा है आपको, कौन फिर दोबारा जीतेगा? उम्मीद तो लग रही है किसकी? यही जो है सरकार। अच्छा, फिर जो है वो फिर वही रहेंगे? हाँ, बदलेगा नहीं अभी। अब देखो, उम्मीद तो यही लग रही है। देखिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम यहाँ कोशिश करेंगे बातचीत करने की। सर क्या नाम है आपका? नो कमेंट्स। नहीं, क्या लगता है 2024 का चुनाव आ रहा है? कुछ नहीं बता सकते। कुछ लग रहा है? कोई कमेंट्स नहीं, नो कमेंट्स। वोट देते हैं? वोट तो देते हैं। वोट देते हैं, जिसकी इच्छा होती है उसको दे देते हैं। अच्छा, नहीं तो क्या लग रहा है, कुछ डेवलपमेंट हुआ है खीरी का? बता सकते हैं? डेवलपमेंट हुआ नहीं, इस बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। देखिए कुछ लोग हैं जो डेवलपमेंट के बारे में भी शायद उनको नहीं मालूम। क्या नाम है चाचा आपका? विष्णु। विष्णु जी क्या लगता है 2024 का चुनाव आ गया है नज़दीक, क्या लगता है, कैसे देखते हैं इसको? विष्णु कुमार कश्यप है। अच्छा, चुनाव आने वाला है ना लोकसभा का, तो क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री दोबारा बनेगा? बनेंगे तो यही कौन? मोदी। मोदी ही बनेंगे। इससे पहले सत्ता है जी? अच्छा, तो फिर चुनाव होने नहीं चाहिए फिर तो, जब मोदी जी वही बनेंगे सर, वही बनेंगे। देखिए दुकानदार भी हैं यहाँ पर, हम उनसे भी कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? बेटा आसिफ। आसिफ, क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? नहीं बता सकते अभी कुछ। तो किसकी सरकार बनेगी दोबारा? मोदी की। मोदी जी की जी। देखिए अभी कुछ और लोग भी हैं, कोशिश उनसे भी करेंगे यूपी तक की, आखिर उनके मन में क्या चलता है और उनके वो लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ गाँव के लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? श्री राम। श्री राम, क्या लग रहा है इस बार 2024 का चुनाव आ गया है, कैसे देखते हैं इसको, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री बनाओ है कोई? हैं, टीका बनाई हो आप, किसको बनाना चाहते हो, कौन बनेगा? बनाओ मोदी बनाओ का। अच्छा मोदी, वाह। क्या नाम है आपका? राम बेटी। अच्छा, कुछ भला हुआ देश का? भला का नहीं हुआ। अच्छा हुआ? बहुत भला भवा। क्या भला हुआ? भला बहुत भवा, बहुत बनाई सी क्या मोदी। तो क्या लगता है इस बार दोबारा फिर वही जीते? फिर दोबारा हुई है मोदी ना। अच्छा, और कोई? और कोई नहीं हुई। देखिए साफ तौर पर जो लखीमपुर के लोग हैं, खीरी लोकसभा क्षेत्र की जनता है, सबकी अपनी अलग अलग राय है, और ज़्यादातर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने भी साफ तौर पर मोदी पर ही अपनी मोहर लगाई है, और लोगों की अपनी अलग अलग फिर भी राय है। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।